कोरोना वायरस अब तक तकरीबन 6 लाख लोगों को अपना शिकार बना चुका है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के लक्षण आम सर्दी जुकाम से इतने मिलते जुलते हैं कि इसके रोगियों को पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि WHO ने अभी तक इसे जो लक्षण बताए हैं उनके जरिए आप मरीज में इसके जानलेवा वायरस की पहचान कर सकते हैं। नंबर 1, कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद पहले 5 दिनों में इंसान को सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है और फेफड़ों में तेजी से बलगम बनना शुरू हो जाता है। नंबर 2, मरीज को तेज बुखार चढ़ने लगता है और उसके शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक कई हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना वायरस को तेज बुखार चढ़ने का दावा कर चुके हैं। नंबर 3, कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद पहले 5 दिनों में मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उम्रदराज रोगियों में सांस फूलने की समस्या ज्यादा देखी गई है। नंबर 4, कई मामलों में कोरोना वायरस के पीड़ितों में बदन दर्द की समस्या का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि इस वायरस की चपेट में आने के बाद शरीर के जोड़ काफी दुखते हैं। नंबर 5, मांसपेशियों में दर्द के साथ साथ शरीर टूटा टूटा रहने लगता है और थकावट महसूस होने लगती है। नंबर 6, इसके अलावा कई रोगियों ने बताया कि इस बीमारी में रहते हुए उनके गले में काफी ज्यादा दर्द रहता था। ये दर्द इतना ज्यादा था कि उनके गले में सूजन तक आ गई। नंबर 7, कोरोना वायरस के रोगियों की नाक से हमेशा पानी बहता रहता है। यह बिल्कुल मौसम फ्लू या सर्दी लगने जैसा लक्षण है। नंबर 8, कोरोना वायरस के कई रोगियों ने यह भी दावा किया है कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद वे जुबान से स्वाद के जायके को पहचानने की शक्ति खो बैठते हैं। नंबर 9, चीन और अमेरिका में सामने आए कई रोगियों ने कान में दबाव होने की बात भी स्वीकार की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से पीड़ित रहते हुए उन्होंने कानों में दबाव जैसा कुछ महसूस किया। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई अन्य खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।